ये ब्लॉक बहुत अमेजिंग होने वाला। ओह, वो पालकी से देवी उतर कर आगे गया और वहां पे पत्थर होकर रह गया। माही मैनु छड़ेओ ना, हमारा स्कूल जिथे भी तू चलना है, माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। सबका स्वागत है हमारे चैनल रोड साइड राइडर पर। तो आज हम जाने वाले हैं हमारा गांव का मेन मेन प्लेस आपको चेक कराने। तो आगे बैठने से पहले आपको बता दे, तो इस जो गांव का प्लेस आपको पूरा गांव जो मैं एक्सप्लोर कराने वाला हूं उसके लिए ये 3 पार्ट में आने वाला है ये वीडियो। तो वो वीडियो आने से पहले आपको बता देता हूँ, आप लोग सभी जानते हैं चाइना का आगे जो वायरस आ रखा था तो वो है कोरोना वायरस COVID-19। तो अब आ रहा है BF7, तो ये भी बुरी तरीके से फैलने में लगा हुआ है। लेकिन हमारे इंडिया में अब तक ये वायरस नहीं आया, तो वो वायरस तभी नहीं आएगा जब आप उसके लिए वो नियम पालन करोगे। तो उसके लिए आप सदा मास्क पहन के रखिए, मैं भी पहन के रखूंगा। ये वायरस जब आएगा तो बहुत बुरी तरीके से फिर से इंडिया लॉकडाउन हो जाएगा, फिर से सब कुछ बंद हो जाएगा। तो आप मास्क पहनिए, कोई तकलीफ आए तो डॉक्टर के पास जाइए, उसकी सहायता लीजिए। प्लीज बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस, एंड प्लीज मास्क पहन करके आप जहाँ जहाँ जाने चाहते हो तो वहाँ जाइए, और कुछ तकलीफ आए तो डॉक्टर के पास आप जाइए। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ, आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ का जो मेन मेन प्लेस है आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले हम जाएंगे इस रोड पर, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलते हैं गाइस, वीडियो के इन करना पड़ेगा तो चलते हैं गाइस। हम लोग घर से निकल रहे हैं, भयंकर इंजॉय आने वाली, आप देखते जाइए, ये ब्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला। ओ, दरवाजा लगा देता हूँ नहीं तो घर में बहुत पीटेगा। तो हम पहले जा रहे हैं एक मंदिर, बहुत पुराना एक मंदिर है, उसके बारे में आपको बहुत सारी बात बताऊंगा। और मैं पहले ही आपको बता देता हूँ जो वो मंदिर है, हम पूरा जो कराएंगे आज एक्सप्लोर बेहतर कराएंगे, आपको बता देते हैं आगे से। चलते हैं गाइस, आज भयंकर इंजॉय होने वाला है। तो गाइस रास्तों से आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी बात बता देती हूँ, इस रोडों पर आपका सबका प्रिय देवों के देव महादेव का मंदिर है। तो वो मंदिर अर्थात शिव मंदिर आपको दिखाने वाला हूँ। तो आगे से वो जो रास्ता आप दिख रही है वो एक दाहिने तरफ की जाती है, वो बाएंने तरफ की जाती है, लेकिन जाने वाले दाहिने तरफ के रास्ते से। तो इस दाहिने तरफ के रास्ते से हम जाने वाले हैं, और वहाँ पे आप थोड़ी देर में देख सकती है उधर में एक रास्ता चल गई है, तो वहाँ पे ही है महादेव का मंदिर। तो हम रुक के जाते हैं उस मंदिर, हमारे एक फ्रेंड, तो इसके साथ हम सब जगह जाने वाले हैं। तो आपको एक मंदिर के यहाँ पे दर्शन कराते हूँ, ये हमारा गांव का एक मंदिर है, ये है शिव मंदिर। तो देखिएगा इस, ये मेरा गांव का एक शिव मंदिर। ओ माही रे, ओ माही रे, माही मैनु छड़ेओ से निकलते हैं, और आगे जो आपको मंदिर दिखाने वाला हूं तो उसके बारे में थोड़ा दिखाते हैं। तो जाते हैं गाइस। चलना तू जी सकदी नहीं, मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्ता भी रखदा नहीं, क्या तेरे बाजो मेरा सच्चिया मोहब्बत। जिस मंदिर के बारे में मैं बता रहा था इतनी देर से, तो ये वही मंदिर है, और इस मंदिर का नाम है सर्वमंगला मंदिर। तो जब आप केसियाड़ी में आएंगे तब ज़रूर इस मंदिर में आएंगे, क्योंकि इस मंदिर का
आप पूजा चढ़वा कर बहुत प्रसन्न हो सकती है और आप ये बाहर से ही इंजॉय ले सकती है, क्योंकि इसका भीतर में जाने का मतलब फोटो खिंचाने का और वीडियो बनाने का कोई भी परमिशन नहीं है, तो आप इंजॉय लिए। आपको जो मंदिर आगे मैं दिखा रहा था, जिस दिखाया वो मंदिर एक रहस्यमय मंदिर है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बता। वो जो मंदिर के बारे में जो देवी है, उसने एक ब्राह्मण को सपना दिखाया। वो सपना ये था, वो देवी मैरिज के बाद ससुराल जा रहे थे, उस समय उसका थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो पालकी में जा रहे, तो वो पालकी से देवी उतर कर आगे गया और वहाँ पे पत्थर होकर रह गए। और वो देवी ब्राह्मण को बताया, मुझे यहाँ पे स्थापना करो, अर्थात मंदिर एक बनवाइए, वहाँ पे मैं रहूँगा। तो वो पत्थर आज भी उस मंदिर के अंदर है, लेकिन वो फोटो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो फोटो खींचना वहाँ पे अनुमति नहीं है। तो और एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे उस मंदिर के पास ही एक पॉन्ट है, तो वो पॉन्ट में एक मछली रहती है, वो उस देवी का बहुत अच्छी दोस्त है, तो वो पॉइंट आपको दिखाना जा रहा हूँ, तो चलते हैं आगे गाइस। माही मैनू छड़े ओ ना, के तेरे बिन दिल नहीं ओ लगना, जिथे भी तू चलना माही मैं तेरे पीछे पीछे। तो गाइस आप जो रास्ता देख रही है ना, ये बिल्कुल भी बाइक चलाने का रास्ता नहीं है, सिर्फ चलने का रास्ता है, लेकिन हम ये बाइक चलने का रास्ता करके ही चलते हैं। वो जो सामने से जो पॉइंट दिख रही है ना, वही वो पॉइंट है, तो मैं वहाँ पे जाकर आपको उस पॉइंट की एक सही नजरा देता हूँ गाइस। तो गाइस आप ये रोड देख कर समझ ही सकते हैं, ये बिल्कुल भी बाइक चलाने का रोड नहीं, कितनी पतली है ये रोड, ये सिर्फ चलने का ही रोड है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम रुकते हैं गाइस, दिखाते हैं आपकी उसकी भी। हम लोग वो पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, तो आपको पॉइंट दिखाते हैं गाइस, ये चेक करिए गाइस। गाइस ये हमारा गांव का एक छोटा सा हाट है, तो यहाँ पे पर संडे और थर्सडे पर यहाँ पे हाट होती है, तो आप यहाँ पे आकर चीज खरीद सकते हैं। जी सकदा नहीं कोई दूसरी, में शर्ता भी रखदा नहीं, क्या तेरे बाजो मेरा सच्चिया मोहब्बत। गाइस हम लोग आ चुके हैं एक फील्ड पर, तो ये फील्ड का नाम है बिमलेश्वर फील्ड, तो इसके ये है केसरी का सबसे बड़ा फील्ड। इसके बाद भी एक फील्ड आती है केसरी का, वहाँ पे बहुत क्रिकेट मैच, जो आप जानते टेनिस क्रिकेट मैच होती है, यार में 3 तो होती है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे ड्यूज टूर्नामेंट भी हुआ है। आपको इस फील्ड के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बहुत पुरानी ये फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, यहाँ पे बच्चे लोग आप देख ही सकते हैं ये खेल रहा है, लेकिन ये फील्ड देखिए आप कितना बड़ा है। बहुत ही बड़ा ये फील्ड है, तो इसके मैं सिनेमैटिक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आगे छड़े ओ ना, के तेरे बिन दिल नहीं ओ लगना, जिथे भी तू चलना माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना, तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं,
कोई दूसरी में शर्ता भी रखदा। हेलो गाइस, आज मैं हमारा लास्ट चीज आपको दिखाने वाला हूँ, चीज नहीं एक प्लेस है, तो वो है हमारा स्कूल। तो आपको दिखा रहा हूँ उस स्कूल के बारे में। देखिए, ये है केसियाड़ी हाई स्कूल, मैं 11th में पढ़ता हूँ, तो आपको स्कूल के व्यू देता हूँ। देखिए, ये है हमारा स्कूल। ये जितनी बड़ी आप दिख रहे हैं, वो भीतर में और भी बड़ी है वो स्कूल। तो आपको उसकी व्यू देते हैं, पहले हम उसके अंदर चलते हैं। हमारा स्कूल में अब छुट्टी चल रही है, तो स्कूल पूरा खाली है। आप लोग देख ही सकते हैं, पूरा स्कूल खाली है, बंद बंद है स्कूल। तो यहाँ पे एक पियन है, और एक पियन मतलब क्लार्क एक है, क्योंकि स्कूल में फॉर्म दिया जाता है तो भर्ती का, तो उसके लिए उन्होंने है, और स्कूल में कोई नहीं है। तो आपको पूरा स्कूल का एक सिनेमैटिक देता हूँ, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ओ माही रे, ओ माही रे, माही मैनू छड़े ओ ना, के तेरे बिन दिल नहीं ओ लगना, जिथे भी तू चलना पीछे चलना, तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी में शर्ता भी रखदा नहीं, क्या तेरे बाजो मेरा। तो गाइस, ये है हमारा स्कूल का किचन रूम। तो हम जब टिफिन होती है तो यहाँ पे हम खाने आते हैं, और यहाँ पे थोड़ा काम चल रही है। तो गाइस, ये है हमारा स्कूल का पीछे का एंट्रेंस। तो आप देख ही सकते हैं, बहुत पुराना स्कूल है, 1945 का स्कूल, 75 इयर्स ओल्ड स्कूल। देन आगे एक स्कूल मिट्टी का था, आप देख ही सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बची है। तो ये है हॉस्टल का साइट, ये क्लासरूम है। तो यहाँ का वोकेशनल का सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाना जाता है, यहाँ का जनरल आप सब कुछ समझ ही सकते होंगे। और स्कूल का जो गेट है आप बंद है। हमारा स्कूल में सब सब सब्जेक्ट की लैब है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिक्स लैब भी है, केमिस्ट्री लैब भी है, बायोलॉजी लैब भी है, सब कुछ है। और लैब में सब कुछ है हमारा स्कूल में। हमारा स्कूल बहुत पुराना है, तो ये इस स्कूल का नाम है केसियाड़ी हाई स्कूल। ये आपको बता चुका हूँ, ये बहुत पुराना, 1945 का, अभी अभी बता दी हूँ। तो इसके साथ हमारा ये ब्लॉग का पार्ट वन समाप्त होती है, और पार्ट टू खूब जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए आप थोड़ा धैर्य धरिए, और उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। दिस इज @adi06mpk, एंड गाइस एक लाइक और सब्सक्राइब गाइस, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट कर रही है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कर दीजिए लोग को, जैसे कि उसने भी ये चैनल सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट और लाइक करेगा। तो मिलते हैं अगली वाली ब्लॉग में, तो तब तक के लिए गुड बाय। ओ माही रे, ओ माही रे, माही मैनू छड़े ओ।